नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में जो ईपीएफओ की जो पेंशन है, तो उससे रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ईपीएफओ में पेंशन फ्रॉड रोकने के लिए जो है वो सरकार जो है अभी तीन बड़े कदम उठाएंगी। पेंशन भुगतान को लेकर जो फ्रॉड की घटनाएं जो है वो उसे रोकने के लिए अभी मौजूदा सिस्टम को मजबूत बनाने का यहाँ पे जो है वो फैसला लिया गया है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि आपकी जो पेंशन से रिलेटेड जो फ्रॉड है उसे रोकने के लिए अभी ये जो तीन बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं वो कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल न्यूज है अभी इसको जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो ईपीएफ पेंशन से रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रहा है, तो जिसके बारे में यहाँ पर अभी बताया गया है कि ईपीएफओ में पेंशन फ्रॉड रोकने के लिए सरकार उठाएगी तीन बड़े कदम। तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन भुगतान में फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए मौजूदा सिस्टम को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसके तहत फील्ड ऑफिस में कर्मचारियों की तैनाती सहित कई नए कदम उठाए जाएंगे। ईपीएफओ ने अपने सभी एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर यानी जोनल ऑफिस और रीजनल पीएफ कमिश्नर यानी रीजनल ऑफिस को जो है पत्र लिखकर तीन जरूरी कदम उठाने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। तो ये जो तीन बड़े निर्देश है दोस्तों, अभी यहाँ पर जो है वो अभी हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि 3 साल तक ही तैनात रह पाएंगे रीजनल ऑफिस में कर्मचारी। पत्र में कहा गया है कि रीजनल ऑफिस में कर्मचारियों को बदलने की पॉलिसी लागू की जाए। इसके तहत कोई भी कर्मचारी रीजनल ऑफिस में 3 साल से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रह सकेगा। इसके अलावा चार्ज आवंटन का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाए, और इसे जो है वो ऑफिस इंचार्ज के द्वारा वेरीफाई भी करना होगा। तो चलिए, अभी ये जो दूसरा कदम है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि जो है रिकॉन्सिलेशन ऑफ क्रेडिट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि ईपीएफओ की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बैंकों द्वारा अपलोडेड डाटा का क्रेडिट स्टेटमेंट संबंधित ईपीएफओ ऑफिस को रिकॉन्सिलेशन के लिए 1 दिन के अंदर मुहैया कराया जा रहा है। क्रेडिट स्टेटमेंट का रिकॉन्सिलेशन सिस्टम द्वारा खुद किया जाना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन का काम रीजनल पीएफ कमिश्नर की निगरानी में किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा जो बड़ा कदम है वो है पेंशन पेमेंट को वैलिडेट करना भी जरूरी होगा। यहाँ पर इसके बारे में आगे बताते हुए कहा गया है कि सभी मासिक साप्ताहिक पेमेंट को डिस्बर्समेंट फॉर्म को अंतिम रूप देने से पहले सिस्टम से वैलिडेट किया जाना चाहिए। इससे पेंशन पेमेंट में किसी तरह के फ्रॉड की गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ऑफिस इंचार्ज को पेंशन पेमेंट में फ्रॉड को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम जो है वो उठाने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो तीन बड़े कदम है पेंशन में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए, तो यहाँ पर जो है वो अभी जो मौजूदा सिस्टम है तो उसको जो है वो मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर ये जो तीन कदम उठाने की बात जो है वो ईपीएफओ के द्वारा जारी किए गए पत्र में बताई गई है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में जाना। इससे जो ईपीएफ के जो पेंशनर्स है, तो उनको भी उनकी जो पेंशन मिलने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे, तो वो भी काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो है वो अभी उनकी जो पेंशन है तो प्रॉपरली जो है वो उनके बैंक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो सकेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इसी के बारे में आपको डिटेल में बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।